अगर 2015 की ये बात है जब मैंने उसे पहली बार देखा, मैं गुमसुम चुपचाप सा हमेशा की तरह क्लास के एक कोने में बैठा था। जब कोई आया अपनी खुली किताबों से नजरें उठाई तो देखा कि वही इंसान था जो हमेशा की तरह आज भी लेट था, पर उसकी एक नटखट सी मुस्कान देखकर टीचर ने उसे रोका नहीं, उसे डांटा और अंदर आने को कह दिया। पहले थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, मैं दो बारे में कभी अच्छा नहीं था। दोस्तों के नाम पर चंद नाम उंगलियों पर याद आते थे जो कि कॉलेज आने तक सिमट चुके थे। लोगों का मेरे बारे में ज्यादातर फर्स्ट इंप्रेशन किसी गुस्से से भरे लड़के या एटीट्यूड वाले लड़के का था। अरे यार मेरी और देख तो लो मेरे में किस बात का एटीट्यूड। इस वजह से ना कभी लड़कों से ज्यादा इंटरेक्शन हुआ, लड़कियां तो भूल ही जाओ। उस दिन से आए इंसान देखकर अंदर से पहली बार लगा क्या काश ये मेरा दोस्त होता, काश मेरी इससे एक बार बात हो जाती। ये सोचते सोचते मैं अपनी किताबों में फिर से खो गया। कुछ दिन बीते पर वो मेरे पास आया। आया यार वो एक बंदा पर मैं गिर गया चिंता में। अब पढ़ने वाले लोगों से आप पढ़ाई की बात करते हैं तो इस तरह से उसका और मेरा इंटरेक्शन हुआ। इस तरह हमारी बातें शुरू हुई और धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। कुछ ही वक्त मैं वो और मैं भाई की तरह बन गए। एक दिन एक तीसरा बंदा आया और उसने उससे कहा कि जो भी वो ये बातें कहा करता है ना उससे, ये सब झूठ हुआ करती है, वो कभी 12 बजे नहीं सोता, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है। अब मैं सोच में पड़ गया क्या उसकी बात पे यकीन तो नहीं करना चाहता था, पर मैंने जाना और अफसोस वो सारी बातें सच नहीं थी। मैंने जाना कि मैं कोई खास दोस्त नहीं हूं पर एक दूसरा इंसान जो हर रोज से कॉलेज में मिला करता है, दिल टूट सा गया। सोचा था कि शायद ये यात्रा आगे तक चलेगा पर यार इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बीते और मैंने उसे फिर कॉलेज में देखा, वो उदास लग रहा था। शायद वो अपने दिल की हलचल, दिल में जो उसकी मुश्किलात थी वो किसी से बता नहीं पा रहा था और मेरे अंदर का अहम भी मुझे उसने पूछने नहीं दे रहा था। इसी तरह मैं उस पल को इग्नोर कर गया। रात हुई, फोन चेक किया, देखा तो उस पर टेक्स्ट था। देखो टेक्स्ट की ना एक खास बात होती है, शुरू कहीं से होता है और खत्म कहीं और जाकर होता है। जो बात नहीं करना चाहूंगा वो तो जरूरी होगी और ऐसे ही कुछ उस दिन भी हुआ। मैं कुछ ऐसा कह गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। उसे ये कह गया कि उसे अपना भाई समझना एक गलती थी जबकि मैं सच जानता हूं। वो कुछ देर रुका, कुछ बोला नहीं, कुछ देर सब शांत रहा, फिर उसका एक मैसेज आया। उसने कहा कि वो एक वुड टॉप बनना पसंद करता है पर न जाने आज क्या हुआ कि वो आसानी से टूट गया और ये कहकर वो ऑफलाइन हो गया। अगले दिन हम फिर मिले, उसे देखा, आज भी वो मायूस था पर आज तो उसके चेहरे पर मायूसी थी ना उसकी वजह में। मुझे दर्द हो रहा था कि यार ये मायूसी मैंने उसके चेहरे पे लाई है, इसका मैं कैसे कुछ करूं। ये रिग्रेट मेरे अंदर था पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, मुझ में एफर्ट्स की कोई हिम्मत नहीं थी। कुछ महीने और बीते, मैं अपनी जिंदगी में बिजी हो गया और वो अपनी जिंदगी में। 23rd January की वो बात है, मेरे पास एक अनजान नंबर से टेक्स्ट आता है। रिप्लाई करने से पहले ट्रूकॉलर पर सर्च किया किसका नंबर है, मैं देखती हूँ। उससे बात की तो उसने मुझे बताया वो एक नंबर एक लड़की का और वो लड़की उसकी दोस्त। उससे बात की तो उसने मुझे बताया कि उसका बर्थडे आने वाला है, वो एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है जिसमें उसके सारे खास दोस्तों को बुलाना चाहता है। यार कोई खूबसूरत सी लड़की तुमसे पूछे कि तुम्हें आना है लेकिन तुम हो शक्ति वाले, चलो कोई। उसके बर्थडे की रात पहले तक सोचता रहा जाऊं ना जाऊं, फिर एक बोल हमारा आया जहां मुझसे कहा नहीं यार अब तो तू जाए। रात बहुत हो चुकी थी, खाली हाथ जाने नहीं चाहता था, गिफ्ट का कोई सीन नहीं था, तो अपने ड्राइंग पैड को उठाया, उसमें से एक पेपर पढ़ा, उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक की, उसकी सबसे अच्छी डिग्री देखी और उसे बनाने की कोशिश में लग गया। बन गए अंदर से खुशी, न जाने कैसे उस खुशी के साथ कल सुबह जल्दी उठने के लिए सो गया। जब अगले दिन उसने मुझे देखा उसकी और दोस्तों के साथ तो सबसे पहले तो वो मुस्कुराया, यूं तो वो लड़का तेज था लेकिन इस सरप्राइज की उसे भी उम्मीद नहीं थी। आज वो छोटा सा कागज काम कर गया, उस छोटे से कागज ने और उस लड़की ने दोस्ती वापस करा दी और पहली बार जिंदगी में वो बंदा मुझसे खुलकर सब बोला।
तो यार माय पॉइंट इज कभी भी अपनी दोस्ती को यारी को प्यार को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ना ही किसी तीसरे बंदे को उसमें इंटरफेयर करने दो। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम नहीं समझ पाते, किसी के लिए हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि धोखे नहीं मिलते, पर अपने अच्छे रिश्तों को उन धोखे की फीलिंग की वजह से मत दो। तो अगर किसी से नाराजगी है, कोई नाराज है, तो आगे उसे जाके मना लो। थोड़ा मुश्किल है यार, पर यार सबसे